निर्वाचन पर ओडिशा प्रस्तुत तीन दिन समीक्षा करने पर प्रेसमिट कर सूचना देले मुख्य निर्वाचन कमिशनर स्वच्छ अबाध निर्वाचन उपर गुरुत्व मतदान में सामिल होने पर भोटर को कले अपील राज्य में अच्छा 9060 भोटर मैट्रिक परीक्षा में कॉपी रोकिबो एआई कैमेरा परीक्षार अव्यवस्था और कॉपी रोकिबा पई अभिनव पदक्षेप 600 संवेदनशील परीक्षा केन्द्र उपर अधिक नजर बोर्ड में खोलिला कंट्रोल रूम फेरिला पूर्व गौरव कटक चौद्वार ओटीएम जमीन होब टेक्सटाइल पार्क शिलान्यास कले मुख्यमंत्री निवेश होब 3050 कोटी टंका मिलिब 10,000 रु अधिक नियुक्ति नवीन कहले चौद्वार को मिलिब नुआ परिचय अपार्टमेंट पंजीकरण पर फिटिला बाट ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना सत्व परिचालना नियम नहीं जारी है विज्ञप्ति प्रमोटर को उत्तरदायित्व तो फ्लाट मालिकों अधिकार है स्पष्ट फ्लाट मालिक संघ नाँ पंजीकृत हो सर्वसाधारण स्थान एसएचजी सदस्य की यूनिफॉर्म पर 1,000 टंका दिया कैबिनेट निष्पत्ति पर तेजिला राजनीति विरोधी कहे निर्वाचन आसे सरकार मने पड़े महिला कथा बीजेडी जवाब महिला सशक्तिकरण अहरह उद्यम कर राज्य सरकार मां को मृत्युर दुख सही पार्लानी पुओ मां साड़ी को बेकरे बांधि झुली पड़िले पटनागढ़ कानुट गांव द्रोण महाकुड दुई दिन तले चिकित्साधीन अवस्था आखि बुझी देते मां गैस सिलिंडर विस्फोरण में होते आहत एवं स्वास्थ्य संवाद कनक न्यूज हेल्थ कनक्लेव 2024 मुख्य अतिथि भाव जोगदे स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री कथा दोहराई कहिले प्रति जीवन मूल्यवान विशिष्ट कैंसर विशेषज्ञ डाक्टर जीके रथ कहिले 90% कर्कट रोग मुक्ति मिलवा संभव निर्वाचन केवे साधारण लोकों मध्यरे उत्कंठा बढ़ुता बेले मुख्य निर्वाचन कमिशनर कहते हैं कमिशन प्रस्तुत अच्छा और समस्त प्रस्तुति शेष आज भुवनेश्वर में मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार कहते राज्य में जून 24 सुधा सर विधानसभा भोट और जून 16 सुधा सर लोकसभा निर्वाचन ओडिशावासी भोट देवा अनुरोध कर मुख्य निर्वाचन कमिशनर भोटदान हार वृद्धि करने को एथर कमिशन स्वतंत्र व्यवस्था कर चौबीस निर्वाचन सजबाज जून 16 पूर्व सर निर्वाचन सरला समीक्षा एवं निर्वाचन प्रस्तुति ओडिशा तीन दिन समीक्षा करने पर विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन प्रस्तुत कहते मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार मतदान यही महापर्व सामिल होगा समस्त मतदाता को आह्वान करने स्वच्छ और अबाध निर्वाचन गुरुत्व कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को खत्म हो रहा है यानी 16 जून से पहले ये चुनाव संपन्न होने जरूरी हैं। उड़ीसा में 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जैसे आपको मालूम है जिसमें से ST 33 है और ये ST का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं। ST की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और ST की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं जिसमें से मेल 1.68 हैं और फीमेल वोटर्स 1.64 हैं। जून 24 रे सरीब ओडिशा विधानसभा 16 जून रे शेष होब चलित लोकसभा तेणु यह पूर्व निर्वाचन होगा जरूरी बोली कहते सीआई ओडिशा रे भोटर को संख्या वृद्धि पाई बोली कहते मुख्य निर्वाचन कमिशनर प्रेसमिट रे से कहते ओडिशा रे 3,32,00,000 मतदाता 9,000 रु अधिक सतायु भोटर महिला भोटर को संख्या वृद्धि पाई मतदान पर 37,809 बूथ व्यवस्था हो 22,585 मतदान केन्द्रर वेबकास्टिंग हेबो 4,000 बूथ रे महिला अधिकारी रहिबे मतदान हार कम थिबा अंचल उपरे गुरुत्व दियाजिबो समस्त मतदान केन्द्र रे पीबा पानी शौचालय व्यवस्था करा जिबो सी विजिल आप जरिया रे अभिजोग करि पारिबे भोटर निर्वाचनी हिंसा नै जणाई पारिबे भोटर प्रार्थीक अपराधिक तथ्य प्रकाश करा जिबो
We are fully prepared to conduct 2024 parliamentary elections and also the state assembly elections. Every preparation is almost complete. I would like to request through you from the commission side that all the voters of Odisha should come and participate in this festival of democracy. To ye chunav ka parv hai, desh ka garv hai, isme jarur jarur participate karein. साधारण निर्वाचन किपरी शांति श्रृंखला और निरपेक्ष भाव शेष होने ओडिशा गस्त करी राजनैतिक दलर प्रतिनिधि जिलापाल एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करिछंती निर्वाचन कमिशन भुवनेश्वर कैमेरामैन विनय देवाशी सासमल रिपोर्ट कनक न्यूज। 20 तारीखर आरंभ होउछि मैट्रिक परीक्षा एथर परीक्षा को जगिब एआई कैमेरा संवेदनशील परीक्षा केन्द्र गुड़िक एआई कैमेरा लग जाइछि आ एहार कंट्रोल रूम कटक बोर्ड ऑफिस रे रहिबो एई कंट्रोल रूम आजिठारु कार्यारंभ करिछि मैट्रिक परीक्षा जगिब एआई कैमेरा बंद हेबो कॉपी दूर हेबो अव्यवस्था मंगलवार रु आरंभ होउछि मैट्रिक परीक्षा एवर्ष परीक्षा परिचालनारे संस्कार आणिबा पई बोर्ड पक्षरु सबु परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी लगा जायछि विशेष करी अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्र गुडी करे लागिब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमेरा एहारो नियंत्रण कटक बोर्ड मुख्य कार्यालय रे अछि शनिवार दिन एहारो ड्राय रन करा जायछि बोर्ड कर्तृपक्षक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे 20 जन पर्यवेक्षक एई कमांड कंट्रोल रूम दायित्व रे अछंती एई कंट्रोल रूम शनिवार थारु कार्यारंभ करिछि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है एआई बेस्ड कैमरे से लेट्स से कि भाई एक्स वाई जी सेंटर है उस पर कोई क्लासरूम में स्पेसिफिकली अगर कोई बच्चा डेस्क हिला रहा है अपनी और या वो नॉड कर रहा है इधर उधर या वो कोई इनविजिलेटर क्लास में अटेंटिव नहीं है घूम नहीं रहा ठीक है ना कोई माल फंक्शनिंग एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में तो वो उस बेस को कैप्चर करता है उनकी स्पेसिफिक टर्म्स हमने एक एल्गोरिथम के थ्रू वो डाल रखी हैं अपने प्रोग्रामिंग में चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा को श्रृंखलित करबा पई सबु प्रकारर व्यवस्था करिछि बोर्ड 3047 टी परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी कैमेरा लगा जायछि 600 टी संवेदनशील ओ अधिक संवेदनशील केन्द्र रे एआई कैमेरा प्रत्येक परीक्षार्थी ओ स्कूल कर्मचारी को गतिविधि को नजर रखिबो सीसीटीवी कॉपी रोकिबाकु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रश्नपत्र रखिबाकु 313 नोडल सेंटर चलित वर्ष परीक्षा केन्द्र रे नियोजित शिक्षक शिक्षयत्री परीक्षा केन्द्र को मोबाइल धरी जाई परिबे नाही जो आमर 3047 सेंटर अछि सब सेंटर आमे सीसी कैमरा लगे छु हला एआई सीसी कैमरा आ लाइव सीसी कैमरा स्टैटिस्टिक्स रे फरक हो जे एआई हला ऑटोमेटिक सेठी आमे 7-8टा पॉइंट को देइ छु एई पॉइंट उडा को आमर सेंसिटिव पॉइंट अछि आकु जदि डेविएशन हो जे तले हमको अलर्ट से माने आप रे अलर्ट आसी जीवो आ लाइव सीसी कैमरा तो सब जार आमे लाइव देखिबो बसी के देखिबो सेठी हम बसी देखे दरकार नै एआई रे परीक्षा समय रे सकाळ 7:30 रे परीक्षा केन्द्रर गेट खोला जाई छात्र छात्रि को जांच करा जाई परीक्षा केन्द्र को छड़ा जिवो सकाळ 8:30 समय रे परीक्षार्थी को ओएमआर सीट दिया जिवो कटक रु कैमरा पर्सन प्रमोद पाणी को सह शक्तिरंजन बेहरा रिपोर्ट कनक न्यूज। चौद्वार पाइब नुआ रूप ओटीएम रेब पुनरुद्धार एथिपाई टेक्सटाइल पार्क शिलान्यास करिछन्ति मुख्यमंत्री 3050 कोटी टंका खर्च रे एहार निर्माण करिबो गुजरात रो वेल्सपन कंपनी एथिपाई 10,000 निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। चौद्वार शिल्प विकास पुणी पुनरुद्धार होगा जाऊँगी जो ओडिशा टेक्सटाइल मिल ओटीएम पाई अंचल शिल्प समृद्ध होता 1999 रे बंद पर जराजीर्ण हो पड़ा एबे 24 वर्ष पर ओटीएम टेक्सटाइल पार्क होगा जाऊँगी पूर्व गौरव फेरी पाइब चौद्वार टेक्सटाइल पार्क हेबो ओटीएम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज चौद्वार टेक्सटाइल पार्क शिलान्यास विश्वस्तरीय वेल्सपन टेक्सटाइल ग्रुप सहयोग में चौद्वार इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स पर शिलान्यास शिलान्यास करी मुख्यमंत्री कहिछंती एहा द्वारा कपा चासी माने उपकृत हेबे चौद्वार तार पुणी पूर्व गौरव फेरी पाइबो एहा 10,000 पिला को पाई निजुक्ति सुजुगो सुस्ती करिबो
ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଆମର କାଲାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ପରି ଜିଲ୍ଲାର କଟୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଇଏ ଓ ଟି ଏମ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ୱାପସ ଏକ ରୂପ ମେ ନୟ ରୂପ ମେ ନିଖର କେ ଆଏଗା ଦୋସ୍ତୋ ୟେ ମେରା ଆପସେ ୱାଦା ହେ। ୱେଲସ୍ପନ୍ ବର୍ଡ ହମ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଚୌଦ୍ୱାର ମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ପାର୍କ ଲଗାଏଙ୍ଗେ। ହମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନ୍ସିଲରିଜ୍ ପାର୍କ ବଢ଼ାବା ଦେଙ୍ଗେ। ୱେଲସ୍ପନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ 3,050 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। 10,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରୋକ୍ଷରେ 20,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଓଟିଏମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦ କଥା। ଆଉ ଆମେ ପିଲାପିଲି ସବୁ ଆମର ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁ ରହିବେ, କେମିତି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ପିଲା କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ଓଟିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକୁଳିଲା। ଓଟିଏମ୍ର ଯେତେ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅବସରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବୟନ ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ଯେଉଁ 650 ପରିବାରର ଘର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ହେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗତକାଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ଫୋକସରେ ମହିଳା ଭୋଟର। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇ ପାରିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଜେଡିକୁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଯାହାର ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିକି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ କିଛିଟା ଇନିସିଏଟିଭ ଦେଲେ ହେବନି ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ସମୟ ଆସିଗଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲେ ସେ ଭାରି ମା ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମର 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୟୁନିଫର୍ମ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ଲେଜର କିଣିବା ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବିନୟଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବ। ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ମିଳିବ। ବିଲ୍ଡରମାନେ କମନ୍ ଏରିଆ ଉପରେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା।
अपार्टमेंट पंजीकरण पाई फिटिला बाट ओडिशा अपार्टमेंट नियम 2023 आणिले सरकार पाखापाखि दुई वर्ष धरी अपार्टमेंट पंजीकरण पाई समस्या होता नुआ नियम आणिबा पर्यंत एहा उपरे रोक लगाइथिले हाईकोर्ट गत वर्ष एने अध्यादेश आणिथिले सरकार 2023 अक्टोबर 13 रे चिठा नियम प्रकाश पाइथिला 16 तारीख रे ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना स्वत्व और परिचालना नियम 2023 ने विज्ञप्ति प्रकाश करिछंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग फळरे अपार्टमेंट पंजीकरण पाई थिबा समस्या एबे दूर होईछि। प्रथम रजिस्ट्रेशन जोटा हम सेटा हम जमी एवं कॉमन एरिया एसोसिएशन ना रे सो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रथम जमीटी पल एसोसिएशन पाक एंड तापर आम घर गुड़ा रजिस्ट्रेशन आरंभ हम तो जो जमीटी जो कि आम पैसा दौल एक्चुअली आम अपार्टमेंट प्राइस भितर जमी प्राइस भी थी कि सेगुड़ा के आज पर्यटन के ट्रांसफर होता बर्तमान ट्रांसफर हम यहाँ के पजिट जिनस सो रजिस्ट्रेशन निश्चय आरंभ हम बर्तमान पाखापाखि दुई वर्ष है आम मैने कस्टमर समस्त असुविधा अच्छू ना रजिस्ट्रेशन हो पारे आमर जहाँ बकिया पैसा तक आम पाई आम आशा कर बहुत जल्दी यहाँ कार्यकारी बहुत जल्दी किणाबिका चलो समस्ते खुशी रही नजर पकातु ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना और परिचालना नियम कौन रही अपार्टमेंट मालिकों आसोसीएसन गढ़ा आसोसीएसन को सर्वसाधारण अंचल मालिकाना अधिकार मिल कमन एरिया केते जमी अच्छी घर क्रेता कौन सुविधा अच्छी ताइ दि खेलपड़िया पार्किंग स्विमिंग पुल आदि स्थान मालिक संघ ना पंजीकृत हो पुणा अपार्टमेंट नियम लागू हो जो आक्ट आसला जो रूल या जमी केवल बर्तमान प्रोजेक्ट नुहे आज पर्यंत ओडिशा रे जिते प्रोजेक्ट होता लागू हो गला ता माने जदि कौन पुराणा प्रोजेक्ट अच्छी जो थे कि जमीटी ट्रांसफर हो नाला किंबा इंडिविजुअल ना होता किंबा पूरा ही नहीं अधा होता सेगुड़ा सब रेगुलर नेक्स्ट किस कि वर्ष भितर पूर्व बिल्डर माने कॉमन एरिया उपरे अधिकार जाहिर करथुबा बेले एहाकु नै विवाद देखा दैथिला मामला हाईकोर्ट रे पहुंचिबा परे अपार्टमेंट पंजीकरण उपरे रोक लागिथिला ओडिशा हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे सरकार ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम 1982 उच्छेद करिबा सह नुआ नियम आनिबाकु निर्देश दैथिले दीर्घ दिन धरी अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन बंद होइ जिबारु क्षति सहितले रियल एस्टेट मालिक भुवनेश्वर कैमरामैन समीर को सह मौसुमी महंती को रिपोर्ट कनक न्यूज। मार मृत्यु को सही पालानी पुओ हारिदेला जीवन बलांगीर बेलपड़ा थाना अंचल कानुटरु रे एभली गोटे खबर आसी 10 तारीख में जनक घर को मालती महाकु टीवी देखा जाते समय गैस सिलेंडर विस्फोरण होता चिकित्साधीन अवस्था आखि बुझे चारज एवं मार मृत्यु पर पु द्रोण महाकुंड अवसाद को चली जाते आ मालती शब व्यवच्छेद पर घर को शब आसवा पूर्व पु द्रोण आत्महत्या कर माँ और ममता एमती दुईट शब्द जार मूल्य कहीं आकलन करमूल्य रत्न माँ जितेबले अघटन पर पारी को चली जाते जमी नाबाक पुअर छाती फाटी जाता पुओटी मुंडे दुखर पहाड़ हो छिंडी पड़ा माँ मृत्यु खबर दारिद्र्यर ताड़ना भितर केमी हेब माँ संस्कार कण हेब भविष्य भाविला बेलू मुंड बुलाई जाऊला गाँव किसी सांगसाथी मार अंतिम संस्कार पर भिक्षा मागी टंका जोगाड़ करते सत हेले मार शब घर को पहुँचवा पूर्व पुओ बाछिनेला अफेरा बाट स्नेहरे जो शाढ़ी दिने पुअर मुह को पोछी देउथिले माँ से ही शाढ़ी झुली पड़े पाटणागड़ कानुटु गाँव द्रोण महाकुड अघटन आखि बुझीदे माँ मांग को साड़ी रे झुली पड़ा पु बलांगीर जिला पटनागढ़ आसीथिबा एही खबरटी जेते दुखदायक खबर पछर कहानी सेतिकी जंत्रणादायक कानुट गाँवें गत 10 तारीख रे अदावरिया परिवार रे घटीथिला एक अघटन गैस टांकी पाइप रे निया लागिजिबारु घरर पांच जण एवं पड़ोसी घरर जणे गुरुतर आहत होइथिले प्रथमे कंटा बांजी परे बलांगीर हॉस्पिटल निया जाइथिला
अवस्था गुरुतर हेबारु राउरकेला स्थानांतर कराहैतिला। हेले जणक परे जणे अदाबरिया परिवारर महेश्वर अदाबरिया, भानुमती अदाबरिया एवं भैरवी अदाबरियाक मृत्यु होइतिला। सेहिपरि तांको घरकु टीवी देखिबाकु जाय गुरुतर होइतिबा माळती महाकुडक मध्य मृत्यु होइतिला। आ आत्महत्या करितिबा द्रोण महाकुड हेउछन्ति मृत माळतीक पुओ। 10 तारीख रे गोटे पाइप लिकेज हेगोरी, गैस लिकेज हेगोरी, पाइप जेन फाटी जाइला से 6 जन इंजोर्ड भितर 4 जन मरीगले। ये पुओटा का राउरकेला निजे तार माँ के देखी जाऊला, बलांगीर खबर पाला जो मोर माँ मरीगलान बोली से रिटर्न आसला और माइंड तार डिप्रेसन है से सुसाइड गैस सिलिंडर फाटी जो डेथ हो जो मानकर संग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउ एफआईआर कपी आसला पर तंगो जो प्रोविजन अच्छे सरकार तरफ 4 लाख टका लेखे से आम ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर आसला पर बहुत शीघ्र से पेमेंट हवा से पैसाटा तंग परिवार वर्ग को। गोटे अघटन दुई दुईटी परिवार को उजाड़ी देछि। प्रशासन सिना सहायतार किछि टंका दे दायित्व सारी देछि। हेले ही घटना पाटनागढ़ अंचल रे चांचल्य खेलाई देछि। पाटनागढ़ रु प्रवीण पुरोहित को रिपोर्ट, करक न्यूज। स्वास्थ्य संवाद कनक न्यूज पक्ष आयोजित हो हेल्थ कनक्लेव 2024। कनक्लेव रे कर्कट चिन्हट आरंभ कर निराकरण संपर्क में आलोचना मुख्य अतिथि भाव जोगद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्री निरंजन पूजारी प्रत्येक जीवन मूल्यवान विषय वस्तु आलोचना करने कैंसर चिकित्सा केज से संपर्क में मंत्री एम्स पूर्वतन कैंसर सेन्टर मुख्य डाक्टर प्रफेसर जिके रथ भी कार्यक्रम में सामिल होते। स्वास्थ्य क्षेत्र में सचेतनता वृद्धि नहीं स्वास्थ्य संवाद और कनक न्यूज पक्षर आयोजित हेल्थ कनक्लेव 2024। स्वागत भाषण दे कार्यक्रम आरंभ करते संवाद और कनक न्यूज संपादक तनया पटनायक। हेल्थ कनक्लेव जोटा कैंसर केयर को केन्द्र कर आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोगद प्रति जीवन केमी मूल्यवान ताहा बखाणी स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पूजारी। सहित विजु स्वास्थ्य कार्ड द्वारा केमी ओडिशार प्रति गरीब परिवार उपकृत ताहा वर्णना कर गरीब हो समस्त जीवन मूल्यवान एवं प्रति जीवन को बचाई माननीय मुख्यमंत्री कहते 4.5 कोटी जनता मोर परिवार एवं समस्त परिवार से विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जहाँ कि आपण कहते स्मार्ट कार्ड योजना कैंसर रोगर ना शुणिले लोकों भितरे आपे आपे भय सृष्टि हुए किंतु हेल्थ कनक्लेव रे जोगदे कैंसर को डरिबा बदलरे केमिति प्रतिहत करिहेब सेने परामर्श देछंती देशर विशिष्ट कैंसर विशेषज्ञ तथा दिल्ली एम्स रो पूर्वतन कैंसर सेंटर मुख्य डाक्टर जीके रथ। से कहिछंती कैंसर रु मुक्ति मिलिबा संभव तेबे सचेतनता और प्राथमिक स्तर रे एहार लक्षण को चिन्हट करी डाक्टरंक परामर्श नेबार आवश्यकता रहिछि। आजकल 10टा कैंसर अछि जहार क्योर माने क्योर रेट इज मोर देन 90%। प्रोस्टेट क्योर रेट मु सब रेफरेंस देबी प्रोस्टेट क्योर रेट स्टेज 1 एंड 2 रे 100% एलागे टेस्ट इज क्योर रेट आम मोर लक्ष पेशेंट अछंती कंट्री रे आ कंट्री रे बाहर जे माने क्योर क्योर माने से माने कैंसर रे मरिबेने। केवल एति कि नुहे कैंसर रो नुवा चिकित्सा पद्धति पेटो कैंसर को केमिति चिन्हिबा ब्लड कैंसर रु केमिति बंचिबे सेने मत रखिछंती राज्यर जणासुणा कैंसर रोग विशेषज्ञ। एथिसह कैंसर को जीतिथिबा दुई योद्धा निज संघर्षर कहानी कहिछंती। मो सबले भितरे भितरे भी हसे आज निजे को निजे देखिके बेसी हसुची हस सबले रहिछ मो सहित हस केबे दूर को जाई पारिबनी हस अछि त जीवन अछि हस अछि त शक्ति अछि हस अछि त साथी माने अछंती सांग माने अछंती हस अछि त सोसाइटी अछि हस रे बहुत किछि अछि ये हस अपन को नया जीवन दै छै। हां सबले हसिया को चेष्टा कर छी मुँ अच्छी सामने ओडिशा रे सबती किछि सर्वाइवर्स को पाइलेनी जो माने को मु उदाहरण हिसाब रे देखि कैंसर को लड़ीबा को मोटिवेशन पाई पारिबी एवं सेई दिन मु डिसाइड कली कि मु कैंसर भलो होइ जेबी सेटा इम्पोर्टेंट हबोली किंतु मो परीक्षा जो माने कैंसर सहित लड़ुचंती जो माने एटा भाबुचंती कि ओडिशा रे कैंसर रो ट्रीटमेंट नाही
क्यासर हो गले मृत्युटा ही सुनिश्चित से मैं उदाहरण हे कि जदि स्वागतिका भल हो पारे आपण मैंने भी क्यासर भलिपारे कर्कट पीड़ितों जंत्रणार उपशम किपरी चिकित्सा विज्ञान पर आह्वान हो संपर्क में आलोकपात करिछंती विशेषज्ञ डाक्तर भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीनबंधु और चिन्मयों सह श्रीमा शतपथी और मनीषा दास को रिपोर्ट कनक न्यूज़।